मैं श्री जलाराम मंदिर का सभापति नरेंद्र दावड़ा, श्री जलाराम सत्संग मंडल पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर अंगदान कर रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर हम लोग दलित नारायण साधु संतों को बैठाकर भोजन खिलाते हैं, जिसके अंदर प्रतिदिन दाल चावल सब्जी रोटी सीरा, एक खारा एक मीठा, इस तरीके की आइटम यहाँ पर रहती है। और अन्य भक्त लोग जो अपने तरफ से महाप्रसाद लेकर आते हैं, वे सभी भक्तों की ओर से कुछ ना कुछ प्रसादी आती है। इस तरीके से 6 से 7 आइटम प्रतिदिन जैसे परिवार के लोगों को हम श्रद्धा और प्रेम से प्रसाद देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सभी दलित नारायणों की सेवा की जाती है। यह मूल मंत्र हमारे जलाराम बापा का भजन करो एवं भोजन कराओ, इसको ख्याल में रखते हुए हमारे सद्गुरु जो परम पूज्य संत श्री हरिराम बापा द्वारा यहाँ पर 40 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी, जो अविरत 365 दिन यहाँ प्रतिदिन यह भोजन व्यवस्था चालू है। होली के दिन, दिवाली के दिन, किसी भी उत्सव के दिन यह प्रसाद की व्यवस्था नियमित रूप से चालू रहती है। यह परम पूज्य बापा का आशीर्वाद है। नागपुर शहर के दानदाताओं, हमारे पूर्व ट्रस्टी, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सभापति, इन लोगों के साथ सहकार और संपूर्ण कारोबारी के साथ सहकार के वजह से प्रतिदिन हम यहाँ 400-500 लोगों के भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं। जय जलाराम, जय हरिराम। संकट के समय भी आपने जलाराम मंदिर में खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। कोविड के समय काफी सहयोग रहा इस ट्रस्ट के द्वारा, इस मंदिर के द्वारा, क्या कहेंगे? कोविड के समय में हमारे जो सभापति थे राजू भाई खक्कर और उनके साथ में जो प्रमुख थे, उन सभी ने यहाँ कोविड के समय में बहुत अच्छा, लोगों ने तो अन्न क्षेत्र बंद कर दिए थे, होटल बंद कर दिए थे, लेकिन उन्होंने दोनों टाइम यहाँ भोजन व्यवस्था करके समाज के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दिया कि कोविड की बीमारी अपने जगह है, लेकिन हमारी जो सेवा है वो निरंतर शुरू रहेगी। आप अपना परिचय? मैं विनोद वसानी, जलाराम सत्संग मंडल की भजन समिति का संयोजक हूँ। और यहाँ निरंतर पिछले 40 वर्षों से हम डेली 400 से 500 लोगों को खाना खिलाते हैं। गरीब निराधार लोग जो आते हैं और एकदम अपना समझ के भोजन का प्रसाद लेते हैं। इसी तरह हम लोग शनिवार को, हर शनिवार को भजन भी करते हैं, जो